नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल स्टार के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिनका भी पीपल्स का एग्जाम आने वाला, सबसे पहले जाकर इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। इस सीरीज में सबसे पहले उस टॉपिक को कवर किया जाएगा जिसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद जो आपके न्यू टॉपिक आपके न्यू सिलेबस में जो आपके ऐड हुए हैं वो आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। साथ में अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में अगर चाहते हैं इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो इस बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे ऑल को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे और भी सोशल मीडिया है, वहां पे जाकर आपको मुझे फॉलो कर सकते हैं। पहला सवाल आपका यहाँ पे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि है। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। जो भी आपकी राशि दी जाती है वो 2 लाख के बराबर में होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका दिया गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में आपके लास्ट ईयर में बहुत सारे सवाल बने हैं तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये बन जाता है कि PMJJBY का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि इसको कब लॉन्च किया गया था इस योजना को, तो 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे 9 मई 2015 को मैं यहाँ पे दो चीजें इसके बारे में बता चुके हैं आपके लास्ट वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट बताया था कि 9 मई 2015 को एक योजना और लॉन्च की गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था। दूसरा पॉइंट मैं ये बताया था कि 9 मई 2015 को ही आपका जो स्वावलंबन योजना था उसका नाम बदलकर आपका अटल पेंशन योजना कर दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इस योजना के तहत आपका किस चीज का इंश्योरेंस किया जाता है, आपके लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें कौन सी कंपनी कवर करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका LIC कंपनी कवर करती है। अब LIC का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला सवाल आपका एज से बनता है, तो इसमें जो आपका मिनिमम एज होता है आपका 18 वर्ष होता है, जबकि आपका जो मैक्सिमम एज होता है आपका 50 वर्ष होता है। अगला पॉइंट का ये लिखा गया है कि आपका सवाल ये बन जाता है कि किस एज पे आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 साल, 55 साल की एज पे आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाता है। अगला सवाल आपका प्रीमियम से बनता है, तो प्रीमियम आपका 323 रुपये पर साल इसका प्रीमियम होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ होता है उसमें जो आपका मुआवजा दिया जाएगा आपका 2 लाख दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है अगर आप फुल्ली डिसेबल हो रहे हैं या पार्शियल डिसेबल हो रहे हैं तो उसमें आपको एक भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका फाइनेंशियल ईयर से, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जून से 31 मई के बीच में होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जो भी आपका प्रीमियम होता है 330 रुपये पर ईयर, इसका पेमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑटो डेबिट फ्रॉम द अकाउंट, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को अब ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल आपका लिखा गया है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके पेज ओरिएंटेशन को दर्शाते हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल आपका लिखा गया है किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। किसी भी स्लाइड को स्टॉप करने के लिए आपका एक एस्केप का बटन होता है, जो भी आपका कीबोर्ड होता है कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के टॉप पे जो आपके कॉर्नर पे जो आपका बटन होता है वो बटन आपका एस्केप का बटन होता है। एस्केप बटन को प्रेस करने से आपका स्लाइड स्टॉप हो जाता है, यानी आप अपने स्लाइड से बाहर आ जाते हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपका लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट में हेडर कहां पर स्थित होता है, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में जो आपका हेडर होता है प्रत्येक पेज के टॉप पर स्थित होता है। जैसे आपका हेडर होता है इसी प्रकार आपका 4 चीजें और होती है। पहला चीज आपका हो जाता है हेडर, दूसरा चीज हो जाता है आपका फुटर, तीसरा चीज हो जाता है आपका एंड नोट, चौथा चीज हो जाता है आपका फुट नोट हो जाता है। तो इन चारों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि आपका चारों में कंफ्यूजन ना हो।
तो आप इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि ये पॉइंट काफी कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे फुट नोट और इंड नोट के बारे में। सबसे पहले लिखा गया आपका फुट नोट के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट आपका फुट नोट कहलाता है, जबकि आपका जो इंड नोट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि दस्तावेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट आपका क्या कहलाता है, इंड नोट कहलाता है। इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके दस्तावेज की बात की जा रही है। अब बात करते हैं हेडर और फुटर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया आपका हेडर के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दस्तावेज के प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट आपका क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। अब बात करते हैं फुटर की। तो प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट आपका क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेडर और फुटर में प्रत्येक पेज की बात की गई, जबकि आपका फुट नोट और एंड नोट के बारे में, दस्तावेज के बारे में बात किया गया है। तो आपका यही डिफरेंस होता है। आप इन चारों पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से वीडियो को बैक करके जाकर फिर से इसको आप समझ सकते हैं। आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। पांचवा सवाल आपका लिखा गया है यहाँ पे कि दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है आपका, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में दिया गया, इसमें भी आपका एक सवाल बनता है। तो जब भी आपका एक कंप्यूटर में जब आपके दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। छठवां सवाल आपका लिखा गया है कि इनमें से आपका चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा कौन सी है। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर होते थे उसमें आपका डोमन आधारित भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपके पहली पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर होते थे उसमें आपका मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, जबकि आपके जो दूसरी पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर होते थे उसमें आपका असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जबकि आपको जो तीसरी भाषा के जो आपके कंप्यूटर होते थे उसमें आपका उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आप इन चारों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सतवां सवाल आपका लिखा गया है कि एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो एल्गोरिथम का आपका जो चित्रीय रूपांतरण होता है क्या कहलाता है, आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं, आपका यहाँ पे बात हुआ एल्गोरिथम का, तो यहाँ पे समझते हैं कि एल्गोरिथम किसे कहा जाता है, स्यूडो कोड किसे कहा जाता है। सबसे पहले हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका एल्गोरिथम लिखा गया है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम में आपका लिखा गया है कि एल्गोरिथम किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए बनाई गई चरणबद्ध प्रक्रिया है। जैसे आपने किसी भी रिजल्ट को आप पाना चाहते हैं, उस रिजल्ट को आप पाने के लिए जो आप टाइम टेबल बनाते हैं कैसे उसको पाना है, वो टाइम टेबल आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट का। तो एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतर आपका क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसी टाइम टेबल को अगर आपने चित्रीय रूपांतर दे दिया तो आपका वो टाइम टेबल क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं स्यूडो कोड के बारे में। तो लिखा गया है यह किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम लॉजिक तैयार करने का एक तरीका है। इसमें फ्लो चार्ट की तरह चिन्हों का प्रयोग न करके प्रोग्राम और उसके तर्कों को बोल चाल की साधारण और संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। जैसे क्या होता है कि फ्लो चार्ट में आपको जब चित्रीय रूपांतरण बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपका जो स्यूडो कोड होता है इसमें आपका किसी भी प्रकार का चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें आमतौर पर जो आपका बोलचाल की जो भाषा होती है उसी को कोड भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड किसे कहा जाता है। आप इन सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आठवां सवाल आपका लिखा गया है कि एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम आपके सब रूटीन प्रोग्राम कहलाते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका डिवाइस ड्राइवर किसे कहा जाता है, क्वांटम किसे कहा जाता है और टर्न अराउंड समय किसे कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करें
पढ़ेंगे आपके डिवाइस ड्राइवर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी विशेष हार्डवेयर को निर्देशित व नियंत्रित करने तथा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। सबसे पहले हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका डिवाइस ड्राइवर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है किसी विशेष हार्डवेयर को निर्देशित व नियंत्रित करने तथा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अब बात करते हैं टाइम स्लाइस या क्वांटम की। यहाँ पे इससे समझते हैं कि आपका इसमें दो नाम हो जाता है, पहला नाम हो जाता है आपका क्वांटम, दूसरा नाम हो जाता है आपका टाइम स्लाइस हो जाता है। अब ये समझते हैं कि एक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। अब यहाँ पे उपयोगकर्ता की बात आई तो उपयोगकर्ता के मतलब यहाँ पे हो गया आपका कंप्यूटर यानी आपका सिस्टम। जब भी आपके सिस्टम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब भी आपको संसाधनों को ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, वही समय आपका क्या कहलाता है, टाइम स्लाइस या क्वांटम कहलाता है। अगला जो आपका ऑप्शन दिया गया था आपका टर्न अराउंड समय दिया गया था। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच में जो आपका समय होता है वो क्या कहलाता है, आपका टर्न अराउंड समय कहा जाता है। आप इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नवा सवाल आपका यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा उसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है क्या कहलाता है। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में आपके रिटेल सॉफ्टवेयर, OEM सॉफ्टवेयर, आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन अगले सवाल के बाद। लेकिन आपका जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर पैकेज किसे कहा जाता है। सबसे पहले हेडिंग पे आपका लिखा गया आपका सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा गया। तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन व उपयोग को सुनिश्चित करता आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी भी विशेष कार्य के लिए निर्मित प्रोग्रामों का समूह जो प्रयोग के लिए एक साथ ही उपलब्ध होता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। तो आप इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दसवां सवाल आपका लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है क्या कहलाता है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का क्या कहलाते हैं, फ्रीवेयर कहलाते हैं। अब चर्चा करते हैं यहाँ पे शेयरवेयर क्या होता है, आपके डेमो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ग्रुपवेयर क्या होता है। सबसे पहला आपका पॉइंट लिखा गया आपका रिटेल सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा उसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है क्या कहलाता है, आपका रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं OEM सॉफ्टवेयर। सबसे पहले OEM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि आपका OEM सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर आपका OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब भी आप कोई हार्डवेयर खरीदते हैं या कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ सॉफ्टवेयर आपको मुफ्त में दिया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं, OEM सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला आपका दिया गया आपका शेयरवेयर। तो लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, आपका शेयरवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं फ्रीवेयर की। तो यहाँ पे लिखा गया है ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है वो क्या कहलाता है, आपका
फ्री वेयर कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा शेयर वेयर में आपका फ्री था, लेकिन आपका कुछ समय तक आपका फ्री होता है, लेकिन आपका फ्री वेयर में पूरे हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका डेमो सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा गया है किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रुपवेयर की। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा में ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है, इस कारण इसे कोलैबोरेटिव या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका तीन नाम हो गया, पहला नाम आपका ग्रुपवेयर, दूसरा नाम हो गया आपका कोलैबोरेटिव, तीसरा नाम हो गया आपका ग्रुप सपोर्ट सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं फर्मवेयर की। तो फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो में जो आपके सवाल पूछे थे उनके आंसर की तरफ। सवाल आपका ये पूछा गया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। लिनक्स आपका मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग आपका तीनों प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब चलते हैं आज के वीडियो के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल यह है कि APY में अधिकतम कितना पेंशन मिलता है। यहाँ पे APY का मतलब हो जाता है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में अधिकतम कितना पेंशन मिलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट होता है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, साथ में वहां पे जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।